बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली का दौरा और दिल्ली में पार्टी संगठन के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री का अचानक दिल्ली का कार्यक्रम बना है और तमाम कयासों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर राजनीतिक घटनाक्रम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे सीडेड इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तमाम कयासों के बीच सीएम का यह दौरा है, इसके क्या कुछ मायने हैं? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितना पिछले दिनों बैठकें हुई और केंद्रीय नेता लखनऊ आए, उसके बाद से इस बात का इंतजार हो रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली कब जाएंगे। तो अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए निकले हैं। एयरपोर्ट की ओर उनका काफिला पहुंचा है अमौसी एयरपोर्ट के पास और थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो यूपी में राजनीतिक हलचल तेज है और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार में कोई बड़ा फेरबदल, कोई संगठन को लेकर और आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली निकलने का कार्यक्रम बेहद गोपनीय था, किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले वो अमौसी के लिए निकल चुके हैं और एयरपोर्ट से उनका जहाज सीधे दिल्ली जाएगा। तो इस बात की अब कौतूहल और चर्चा और तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री को दिल्ली अचानक बुलाया गया है या उनका किसी से मिलने का कार्यक्रम था। यूपी की राजनीति में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई दिनों से कयास चल रहे हैं और इस कयास को अब इस आज के दौरे से और बल मिलेगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाकर वहां पर पार्टी के नेताओं से जो मुलाकात करते हैं वहां क्या डिसीजन होता है, यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे या उनकी जगह पर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अब इस बात के आज उनके दौरे के बाद से ये पूर्णता विराम लग जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी आने वाले एक या दो दिनों में। तो ये उत्तर प्रदेश में जो 6 महीने का समय बचा है चुनाव के लिए, दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिहाज से भी बीजेपी क्या परिवर्तन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इन सब के बीच उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पर जल्द ही बीजेपी यहाँ पर 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले, इसको लेकर के उससे पहले एक बड़ा दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है और जैसा कि आपने बताया नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। क्या लगता है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को दूसरी जिम्मेदारी दी जाती है तो कौन ऐसा चेहरा है जिसे सीएम का पद दिया जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अरविंद कुमार शर्मा जब से आए थे तब से कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन उसी बीच ये विरोधाभासी खबरें आने लगी कि सरकार में उनको पसंद नहीं किया जा रहा है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। और इसी बात इसके बाद जब पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया। उसमें ये कहा गया कि वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है ओबीसी और दलित। तो ऐसे में ये इंतजार चल रहा था कि राजभवन मुख्यमंत्री गए थे, उसके बाद फिर बीजेपी के प्रभारी राजभवन गए और तमाम लोगों से मिले, फिर बीजेपी के संगठन के महामंत्री हैं जो राष्ट्रीय है, उस बीएल संतोष वो आए, उन्होंने यहाँ बैठकें की। तो अब आज मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बिल्कुल, जब भी देश में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर बात की जाती है और उसके बाद जैसा कि उत्तराखंड में लोगों ने देखा था कि वहां पर टीएस रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनको दिल्ली बुलाया गया था और उसके बाद वहां से उन्होंने लौटकर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था और त्रिवेंद्र सिंह की जगह तीरथ सिंह रावत फिर मुख्यमंत्री बनाए गए थे। बिल्कुल, तो इस तरह का बीजेपी में हमेशा से परंपरा रही है। अब ये इसी तरह का यहाँ से फैसला आएगा या कुछ और आएगा या मुख्यमंत्री को और फ्री हैंड दिया जाएगा या पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों के जो चुनाव होने हैं उन पर रणनीति पर कुछ चर्चा होगी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इन सब बातों का ऐलान वहाँ होगा। लेकिन देश की सियासत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर जो बीजेपी में राष्ट्रीय नेतृत्व हाईकमान और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच तमाम जो मतभेद की खबरें आ रही थी
उन खबरों पर आज मुख्यमंत्री के इस दौरे से अब विराम लगेगा और ये स्पष्ट होगा आने वाले 24 घंटों में कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक भविष्य है वो उसका चेहरा कौन होगा और योगी आदित्यनाथ होंगे या कोई और होगा या केशव मौर्य होंगे या कोई और तीसरा आदमी आएगा और अरविंद कुमार शर्मा की भूमिका क्या होगी, ये सब आने वाले 2-3 दिनों में चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये कि योगी आदित्यनाथ इस समय दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और उनका ये दौरा लखनऊ में पूरी तरह से गोपनीय था और अचानक से उनकी फ्लाइट जब निकली है और वो अमौसी एयरपोर्ट गए हैं तब उसके बाद से ये कयास तेज हो गए, इस तरह की खबरें आ रही है। बिल्कुल वीरेन जी, सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के और जब भी कहीं पर राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं उन्हें प्रचार के लिए भेजा जाता है, स्टार प्रचारक माने जाते हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या लगता है आपको कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, आलाकमान की तरफ से? अब देखिए, योगी आदित्यनाथ की तो राष्ट्रीय स्तर पर छवि है, वो विभिन्न प्रदेशों में केरल कर्नाटक तमाम जगह प्रचार के लिए जाते हैं, हैदराबाद गुजरात बिल्कुल ये, और वो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं तो स्वाभाविक है कि उनका स्ट्रक्चर बड़ा है। बिल्कुल अब बीजेपी में किस तरह के आकलन हो रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है, बंगाल में बीजेपी चुनाव हारी है, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी को यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा है जी। अब बीजेपी को ये फैसला करना है कि उनको राष्ट्रीय भूमिका में लाती है या वो यूपी के मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कुछ और वो करने वाले हैं, ये सब बीजेपी हाई कमान के मन में है। अब वो इसका खुलासा कब करता है ये उत्तर प्रदेश के लोग इस पर कयास लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ पक रहा है और ये रिजल्ट इसका आने वाले 1-2 दिन में आ जाना चाहिए क्योंकि अब ये उबाल की स्थिति में आ गया है और लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी की क्या तस्वीर है और वो कब तक साफ होगी। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए भारत।